वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट के लिए वोट देगा आज बीजेपी। ये एक पार्टी एकदम चोर पार्टी है। ये जो आज अपने गद्दी पे बैठे हुए जमे हुए हैं, वो चोरी से ही बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसे मत करिए। ऐसे मत कीजिए। मैं रिपोर्टर हूँ, मैं ना किसी का सपोर्टर हूँ, मैं सिर्फ रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, तो मैं हूँ आपके साथ कावेंद्र चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एट नाइन। पश्चिम बंगाल में बीते दिनों से यहाँ पर दो ही नारे सबसे ज्यादा प्रचलित है, एक खेला होवे और दूसरी तरफ परिवर्तन हो। लेकिन क्या कुछ कहती है ग्राउंड रियलिटी, इसको जानने के लिए हम लोग बीते कई दिनों से पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरी बीजेपी लीडरशिप यहाँ पर डेरा डाले हुए है, उससे देख कर ये मालूम पड़ता है कि स्थिति जो है कभी भी पलटा खा सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर समर्थक जो हैं वो तो मुखर होकर बोलते हैं, चाहे वो टीएमसी के हो या फिर बीजेपी के हो, लेकिन जो साइलेंट वोटर है उसको आंकना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे यहाँ पर कांग्रेस और टीएमसी की बात करें तो कांग्रेस जो है टीएमसी के साथ थोड़ा सा लगाव रखती है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट यहाँ से नदारद नजर आता है। लेफ्ट यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता और लेफ्ट सा मालूम पड़ता है। सीधी टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच है। ऐसे में कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप ये बताइए के नाम छे? मेरा ज्योति प्रकाश रॉय है। ज्योति प्रकाश रॉय, कहाँ से हैं आप? मैं असम का हूँ। असम के हैं? अरे असम के भाई साहब मिले हैं तो ये तो बहुत दिलचस्प है। असम में भी चुनाव चल रहे हैं, असम के माहौल से यहाँ को देखते हैं, असम में क्या लगता है, भविष्यवाणी बताइए। असम में तो बीजेपी आएगा। असम में बीजेपी आएगा? देखिए, असम की धरती से हम वेस्ट बंगाल को नाप रहे हैं, ये बताइएगा असम में जिस मजबूती के साथ बीजेपी वहां पर आप बता रहे हैं और जीतने भी जा रही है, वहां पर मुद्दों पर चुनाव हो रहा है कि सिर्फ मोदी जी की शक्ल पर? क्योंकि हम बीते दिनों से देख रहे हैं हर राज्य में मोदी जी जाते हैं, रैली करते हैं, पासा पलट देते हैं। ना, ऐसा नहीं है, वहां पे डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट के लिए वोट देगा आज। डेवलपमेंट के लिए वोट देगा? बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, वोट। बिल्कुल, देखिए क्या हो रहा है कि पांच राज्यों में चुनाव हो रहा है लेकिन चर्चा सिर्फ वेस्ट बंगाल की, असम की, बाकी जो और जगह है वहां की चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर टक्कर बहुत मजबूती वाली है। तो टक्कर मजबूती वाली है, ऐसे में आप यहाँ पर किस लिए आए थे सर? हम घूमने आए थे। घूमने आए थे, यहाँ पर आकर घूमते वक्त आपने क्या महसूस किया, माहौल में क्या है? पता नहीं लगा हमको, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ देखा नहीं हमने। तो माहौल को जानने के लिए पश्चिम बंगाल आ जाते हैं। आपका नाम बताइएगा, क्या नाम छे? मेरा नाम विक्की है। विक्की नाम है, भालोवासी? हाँ, भालो। अच्छा विक्की, ये बताओ कि यहाँ पर जमीन पर दिल्ली से हम यहाँ आ गए, दिल्ली में कुछ आंक नहीं पा रहे, दिल्ली में कुछ पता कर नहीं पा रहे, तो सीधे आए इधर। अब आप हमको इधर बताइए, आप घूमते फिरते टहलते जॉगिंग करते क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी का सरकार आना भी चाहिए और यहाँ रहेगा भी, ज़रूर रहेगा, इसलिए कि आज भी जो हम लोग को डाला वाले हैं, मैं खुद डाला वाला हूँ, तो डाला का जो हम लोग का मुद्दा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है। रोजी रोटी का धंधा अभी भी खुला हुआ है। लॉकडाउन के परिस्थिति में भी हम लोग का हालत बहुत ख़राब था, ममता बनर्जी ने फोर्स डालकर दुकान खुलवाए, इससे हमारा रोजी रोटी चला। और रहा सवाल कि हमको वो नहीं देखना है कि सरकार किसका बनता है, लेकिन सरकार बनने के बाद जो हम आम जनता को देखे वो चीज़ मैंने ममता बनर्जी के अंदर देखा है। जी बिल्कुल, देखिए लोग उत्साहित बड़ी जल्दी हो जाते हैं, चर्चा शुरू, लोग उत्साहित यहाँ पर देखिए। एक सेकंड, रोको। आपके बात काट के मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ मेरे भाई भी आए हुए हैं बाहर से और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं यहीं का हूँ, मैं वोटर भी हूँ, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ ममता बनर्जी से भी और मोदी से भी, देखो भाई आपको वोट डालते किस लिए, कि आप हमारे लिए भी कुछ करो और अपना भी लिए कुछ करो। बिल्कुल, आप सब पर आऊंगा लेकिन इन पर आना चाहूंगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं युवाओं को एक्सपोजर दो, सबसे आगे हमारे देश का युवा खड़े होकर यहाँ बताओ, नाम बताओ और कहाँ से हो भाई? जी मेरा नाम तो नदीम सलाउद्दीन है, मैं आसनसोल का रहने वाला हूँ, बंगाल का ही हूँ। आसनसोल, बाबुल सुप्रियो का नाम याद आ गया मुझे तुरंत, बाबुल सुप्रियो सांसदी की सीट छोड़कर आ गए विधायक की लड़ने, क्या लग रहा है उनका? उनका वही लग रहा है जो होने वाला है। क्या होने वाला? ये होने वाला है, देखिए हमारे अब जो बता रहे हैं ये अब हमारे साथ में होने वाला है, मोदी जी की सरकार नहीं आने वाली है, देखिए ऐसे ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब जो मोदी जी की सरकार आने वाली है खेला होवे दादा। और हमें ठीक है, एक प्रश्न, वाजिब प्रश्न, आप सब मेरी इस बात से सहमत रहेंगे, जहां पर भी चुनाव होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी एक चीज होती है, कई साल सत्ता में रहने के बाद लोगों को लगता है कि हमारे नेता ने ये नहीं किया। यहाँ पर चेहरा देखकर चुनाव हो रहा है या फिर मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? चुनाव हो रहा भाई साहब, बीते जब से सत्ता में ममता बनर्जी हैं, बीते 10 साल की बात करूं तो सब कुछ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अरे अंतर्यामी मुख्यमंत्री है, सब कुछ कैसे कर दिया? इसलिए कि उन्होंने डालाओ को जितना था
जितने बेरोजगार थे जिनको सरकारी काम नहीं है, तो वो बेरोजगार क्या करते हैं? अगर हम ही ऊपर चले जाते हैं, अगर हम कहीं जॉब मांगने जाते हैं तो हमें लदर का ठोकर खाना पड़ता है। तो एक चीज़ हम लोग को रियलिटीज मिला, जो CPM के दौर में भी डाला लगा था, लेकिन क्या है कि डाला कुछ चंद डाले लगे थे, जैसे डाला या ना, ये कि हम लोग फूड पार्ट में दुकान स्टॉल लगाते हैं, हॉकर जी हाँ, तो उसको हम लोग डाला बोलते हैं। तो वो क्या है कि हम लोग में 4 CPM के दौर से भी लगा था, लेकिन इतने अच्छे गेट टुगेदर में नहीं था। और ममता बनर्जी आने के बाद डाले के ऊपर साइट में एक डाला लगा, मैंने जो बेरोजगारी थे। अच्छा, आपका लबो लुआब ये है कि ममता बनर्जी ने रोजगार दिया? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी ने दिया रोजगार? नहीं, मैं तो नहीं देखा। अब ये बताइए, मोदी जी प्रधानमंत्री है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, मोदी जी क्या कहीं और से रोजगार देंगे? मोदी जी रोजगार देंगे वो भी यही मिलेगा, ममता दीदी देंगी वो भी यही मिलेगा। आप कह रहे हैं मोदी जी ने नहीं दिया, ममता दीदी ने दिया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। 15 लाख किधर है? 15 लाख किधर? मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मोदी जी से पूछ रहे हैं भाई, 15 लाख किधर है? अमित शाह का पॉकेट में, अमित शाह का पॉकेट में है 15 लाख। वो बोलता जुमला, हिंदुस्तान का पब्लिक इतना बुड़बक नहीं है, खास करके वेस्ट बंगाल का पब्लिक सब पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं है। ठीक है, तो आसाम की पब्लिक जाहिल है, ये बताइए ये लोग पसंद कर रहे हैं, आप नापसंद कर रहे हैं, बिल्कुल डिसोन कर दे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, क्या किया मोदी ने, क्या किया ये लोग, क्यों पसंद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या किया? हमारा तो डेवलपमेंट के लिए काम कर, आपके लिए डेवलपमेंट के, ये कह रहे हैं हमारे यहाँ तो विकास के लिए काम किया है। विकास का काम किया, बताइए बताइए क्या क्या किया, बताइए क्या किया? ऐसे मत करिए, एक एक करके बात रखिए तो आपकी बात सुनी जाएगी। अच्छे दिन आ गए जुमला जी, आ गया गैस 900 की, अच्छे दिन आ गए। क्या हो गया? 450 का गैस सिलेंडर जो मिलता था 900 हो गया, ये क्या अच्छे दिन है? पेट्रोल का दाम 100 रुपए लीटर हो गया। यही मैं बात कर रहा हूँ कि चुनाव एक सेकंड, मैं यही बात कर रहा हूँ कि चुनाव सदैव मुद्दों पर होने चाहिए। इन्होंने जैसे कि बड़ा अच्छा एक बात कही कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, इस चीजों पे तो ममता बनर्जी से आप किसी बात को लेकर तो नाराज होंगे कि उन्होंने? नाराजगी नहीं है मेरी, कोई नाराजगी नहीं है। ये बताइए आज भी वेस्ट बंगाल लिटरेसी रेट में पीछे क्यों है? आज भी वेस्ट बंगाल गरीबी रेखा में नीचे क्यों है? आज भी तमाम उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही? उन पर भी बात करिए ना। एक मिनट, हम बता रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि कैंपेन बीजेपी कर रही है, बीजेपी कैंपेन किस चीज के लिए कर रही है? आज तक ये चीज बोला है कि ममता बनर्जी ने एक गलती किया, ममता बनर्जी ने एक गलती किया, वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार किया, सब बर्बाद, चीज साबित ही नहीं कर पाए आज तक। वो सिर्फ यही कह रहे हैं ये ऐसे है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिर्फ प्रचार इस चीज का हो रहा है, यहाँ मुसलमान का प्रचार, ये चीज नहीं किया कि ममता बनर्जी एक गलती किया, ये नहीं बोला, सिर्फ ये कर रहा है ये हिंदू है ये मुसलमान, सिर्फ यही करने आया, बाकी वो कुछ उससे नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि ममता दीदी ने यहाँ पर मुसलमानों को अपीस किया। सुनिए, अगर उनको मौका मिलेगा विकास के नाम में, तो जितना बच्चा पैदा होगा उसका नाम विकास रख देगा, वो बोल देगा विकास होगा। वाह, बड़ा मजा आ गया। ये बताइए आपको ये बातें किसने बताई? आपके मन में बातें किसने डाली? मोदी ने तो यहाँ पर सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री तो रहे नहीं, आपको ये बातें किसने बताई? मोदी जी बोले थे ना कि चुनाव जब हम आएंगे सत्ता में तो 15 लाख, जब अमित शाह ये चीज मीडिया जब पूछे गया तो मीडिया क्या, अमित शाह क्या बोला, ये चुनावी जुमला है। ठीक है, चुनावी जुमला है। आसाम से मेरे भाई खड़े हैं, उत्तर प्रदेश से भी घूमूंगा तो मिल जाएगा, वहाँ दोनों जगह सरकार है, वहाँ तो ऐसी जो आप चीजें बता रहे हैं कि सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, नहीं हो रहा ना? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ना भाई, एक मिनट, उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं ना, भ्रष्टाचार बताइए, रेप केस बताइए, रात में आप पुलिस वाले 100 जला देते हैं, कब हुआ ऐसा? कांग्रेस के टाइम पे आपको पता है, कुछ दिनों पहले यहाँ पर शोभा मजुमदार नाग की जो महिला थी उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, उस पर बोलिए। वो मेरे को नहीं पता, देखिए यही तो दिक्कत है, उत्तर प्रदेश के बारे में पता है, यहाँ के बारे में नहीं पता है, यही समस्या की जड़ में। इधर आइए, तुरंत डिस्क्रेडिट मत कर दीजिए कि ये बेकार हुआ। ठीक है, आप बताइए, अपनी बात कहिए, पीछे से मत कहिए, बोलिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप पीछे से कुछ बोल रहे हैं, तंज कस रहे हैं, मौका दे रहा हूँ, बोलिए। मीडिया वाला खुद झूठ बोलता था, मुझे मैंने कवर किया, उसमें क्या हुआ बताइए, आप मुझे बताइए। अरे आपने कवर, हाँ देखिए ऐसा है, सुनो, आपकी बात का जवाब देता हूँ, मैं यहाँ पर खड़े होकर बातें करूँ तो बेहतर लगेगा। मैं कहूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान के पास रोटी खाने का पैसा नहीं, उसका मतलब है, सुनिए, उसका मतलब है,
आप पश्चिम बंगाल में हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव मैं कवर कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल मैं रिपोर्टर हूं, मैं ना किसी का सपोर्टर हूं, मैं सिर्फ रिपोर्टर हूं। मेरा फर्ज है कि मैं दिल्ली से आता हूं, मैं दिल्ली में ये बताऊं कि यहां पर क्या मुद्दे हैं। मैं इस पर नहीं आया हूं कि हाथरस में आपने देखा था क्या हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां की हवा क्या कहती है, ये जो सियासी हवा बह रही है क्या कहती है। मैं आप यहां पे मैं एक महीने से हूं, करीबन 100 आदमी से बात कर चुके होंगे कम से कम। हां, कितना आदमी बोला टीएमसी आएगा, 90% आदमी। अब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब आपने बहुत बढ़िया बात छेड़ दी, मैं बता देता हूं, मैं पत्रकार हूं, बीते 7 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, एक बात बताता हूं, यहां का चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव से बिल्कुल उलट है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, मध्य प्रदेश में क्या होता है और राजस्थान में क्या होता है, हम खड़े हो जाते हैं, सपा बसपा आरएलडी भाजपा ऐसे सब खड़े हो जाते हैं, सामने सामने आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, और खड़े होकर आम जनता भी कहती है हम सपा के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। यहाँ का जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ सिर्फ समर्थक चिल्ला के बात करता है, बीजेपी का हो चाहे या फिर टीएमसी का हो, लेकिन जो आम जन है वो बहुत शांत रहता है, धीरे से आके बोल देता है कि भैया जिस पे मन होगा आखिरी में दे देंगे, चुपचाप दे देंगे, ये बता रहा हूँ। आप है दिल्ली में, क्या अमित शाह का क्या कहा ना, बोला था कि मैं 70-80 सीट लेके आऊंगा, मिला कितना सीट? एक बात बताऊं मेरे भाई आपको, अगर सीटों पे बात कर रहे हो, सीटों पे बात कर रहे हो तो डेमोक्रेसी के लिए मुझे लगता है ये बड़ा खराब है। वो सीटें जीत जाते हैं भैया, फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता, फिर आप बात करते हैं। जी आप यूपी में या बिहार में अगर जाओगे तो वहाँ जातिवादी है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल वेस्ट बंगाल में जातिवादी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। दूसरा चीज, ये बीजेपी आ करके ये जातिवादी यह पैदा कर दिया, ये इस बार पैदा कर दिया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ की हिस्ट्री से अवगत कराता हूँ। पहले क्या होता था सर, बहुत बढ़िया आपने बात कही, पहले यहाँ पर क्या होता था कि पार्टी बनाम पार्टी, राजनीतिक हिंसा रही यहाँ पर, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा। ठीक, हम लोग मैं अपनी बात खुद कर रहा हूँ, हिंदू के साथ एक कप में दोनों आदमी चाय पीते थे, अपनी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आज ऐसा वातावरण कर दिया है ये बीजेपी आकर के नफरत करते हैं, कुछ बात नहीं करते, खुल करके बात नहीं करते हैं किसी भी पार्टी के मुतालिक, अपने मजहब के मुतालिक नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा एक तो दीवार खड़ा कर दिया है ये बीजेपी आकर के। ये चीज यहाँ सीपीएम थी, गुंडागर्दी थी, टीएमसी है, गुंडागर्दी है, वो आएगा तो वो खत्म नहीं कर देगा, वो भी गुंडागर्दी रहेगा ही। सवाल यहाँ पड़ी जो है ना, जातिवादी नहीं था जो अब ये पैदा कर दिया। मेरे विचार सर के विचारों में ज्यादा अंतर नहीं है, ताली बजा दी, बहुत बढ़िया बात की, ऐसी बातें कहनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात की। देखिए इन्हीं बातों पर बात, मुद्दे पे बात हो रही है, सीधे हर चीज का साफ आईना दिखा देते हैं। अब मैं सर की बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं, अगर आप सहमत हो तो। पहले यहां पर क्या होता था, मैंने महसूस किया कि यहां पर पार्टी बनाम पार्टी थी, राजनीतिक हिंसा यहां पर रही है, इतिहास रहा है, आप सब सहमत होंगे, पार्टी बनाम पार्टी थी। अब ऐसा हो गया है कि शायद हिंदू बनाम मुस्लिम या मुस्लिम बनाम हिंदू, ऐसा यहां पर नैरेटिव हो गया होगा। लेकिन सर ये बताइएगा यहां पर मुद्दे कहां हैं, मुद्दों पर बात है, चेहरे पर बात। देखिए मुद्दा जो है ना, यहां आप शुरू से जाएंगे, आप पूरा इतिहास निकाल लो, मुद्दा पे कोई नहीं है, कोई भी पार्टी मुद्दा पे नहीं है। आप कांग्रेस लो, बीजेपी लो, टीएमसी लो, सीपीएम लो, या पिछला पूरा इतिहास में आप चले जाओगे, मुद्दा की बात करते हैं वो पूरा नहीं होता है किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी, आप एक हर पार्टी का आप इतिहास निकाल लो, कोई भी पार्टी अगर मुद्दे पर अगर बात करती है, वादा करती है, आप 5 साल के बाद देख लो क्या पूरा किया उसने, 0/0 आएगा उसका। तो मुद्दा बहुत है मुद्दा, लेकिन मुद्दा पे कोई काम नहीं करता, वादा करता है सिर्फ। हम हर पार्टी का बात कर रहे हैं इस चीज का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कहेंगे, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। ये चीज सबको समझनी होगी, ये जनता को भी समझनी होगी कि कभी भी अगर आप कह रहे थे कि सब काम पूरे कर दिए दीदी ने, सब काम अगर पूरे कर दिए होते तो ये नंबर वन स्टेट बन जाता, अगर सब काम पूरे कर दिए होते तो लिटरेसी रेट पर नंबर वन होता, अगर सब काम पूरे कर दिए होते तो स्टेट की जीडीपी उछाल मार रही होती। सब काम पूरे नहीं हुए तभी तो कहीं ना कहीं बात हो रही है। स्टेट से अच्छा, हर स्टेट से अच्छा, फिर भी हर स्टेट, कौन कौन सा स्टेट सब, यूपी दिल्ली सबसे अच्छा स्टेट अभी बंगाल में, मगरी में बंगाल, वेस्ट बंगाल। फ्री में राशन देता, कोई स्टेट में देता है, दीदी ने दिया, लॉकडाउन का बाद से आज तक देते, कन्याश्री रूपाश्री सब कुछ ने दीदी दिया। सबसे बड़ा बात है यहाँ का, एक मिनट, अभी तक माहौल ठीक, यहाँ का माँ बहन रात को 12 बजे भी जाएगा तो कोई टच नहीं करेगा। आज जाता है अभी तेरे पंजाब में खाने जाता है, सब कोई टच नहीं करता, सुरक्षित है। ये दूसरे स्टेट में नहीं, और एक बात सुनिए, और एक बात, ऐसा जरा चीफ मिनिस्टर हर स्टेट में होगा ना तो जातिवादी नहीं होगा। और एक बात सुन लीजिए मेरा, यहाँ बीजेपी एबीएम का शुरू से आ जाएगा ना
ईस्ट बंगाल में वो कतरेआम करेगा, जो बीज बो दिया ना हिंदू मुसलमान का। हमारा 58 एज है, सीपीएम पार्टी 34 साल था, हिंदू मुसलमान करके सीट में नहीं जीता, उसका पहले कांग्रेस था नहीं जीता। अब एक बात भाई ठीक है। हमारा दोस्त 180 दोस्त मेरा हिंदू है, हम लोग बैठ के खाते हैं एक ही थाला में, हम उसका उसी घर में खाते कभी जाते। ठीक है सर, मैं बहुत मोहब्बत वाला इंसान हूँ, आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने क्राइम रेट की बात कर दी कि यहाँ पर रात में भी महिला पुरुष सब आराम से घूम सकते, क्राइम बड़ा बढ़िया, रेट बड़ा बढ़िया चल रहा है, सब काबू में है। ये बताइए सर, 2018 में पंचायत चुनाव होते हैं, पूरी जो राजनीतिक हिंसा हुई, सरेआम लोगों को मारा गया, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी, यहाँ पर इतनी हिंसा होती है, पूरे देश में ये चर्चा होती है, ऐसी कहीं हिंसा नहीं होती, ना उत्तर प्रदेश में, ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ये राजनीतिक हिंसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक पार्टी करती है, पहले वामपंथ के दौरान भी होती थी, होती है गुजरात में, अगर जितना भी हिंसा होती है वेस्ट बंगाल से कम, सारा स्टेट वेस्ट बंगाल में कम होती है, थोड़ा बहुत होती है, वेस्ट बंगाल में बहुत कम होती है। और एक चीज आपको हम और बता दे रहे हैं, ये गोदी मीडिया जो है ना पूरा देश को बर्बाद कर दिया है। हम क्या बोलेंगे, मेरा बात बोलेगा, आज किसान मर रहा, 4 महीना से 300 से ऊपर किसान मर चुका है, प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को जाने का टाइम नहीं मिला, आज अदानी अंबानी को दे दिया। चाचा कुछ बोल रहे हैं, ये बताइए किसानों की भी बात कर ली उन्होंने, किसानों जो हैं दिल्ली के दरवाजों पे बीते 4 महीनों से किसान डटे हुए हैं, किसानों का जो वहाँ पर आंदोलन चल रहा है उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अभी तो बोल दिया नो वोट, सबको वोट दीजिए, लेकिन बीजेपी को मत दीजिए, सीपीएम को दीजिए, और इसको कांग्रेस को दीजिए, टीएमसी को, सबको दीजिए। राकेश टिकैत जी राकेश टिकैत बोल के गए, सही बात बोला, इतना 3 महीने से 4 महीने से परेशान है बेचारा, 300 आदमी 400 आदमी मर गया, और किसान तो पूरा दुनिया का किसान, तो किसान तो हिंदुस्तान का जान ही समझिए, सबको खिलाता पिलाता सब करता है, ये लोग क्या कर रहा, अन्नदाता सब दे रहा, उसी पर तो इकोनॉमी बढ़ा हुआ, इसका जीडीपी तो खत्म हो गया, बंगाल का जीडीपी बहुत अच्छा है, उसको कैच करने मांग रहा, इसको पकड़ने मांग रहा, इतना कि हम पूरा दुनिया को दिखावे कि बंगाल को कब्जा करें, बंगाल को कब्जा करने नहीं सके। अच्छा, आपका आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है, जो खुद आरोप लगाती है टीएमसी पर कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आपको लगता है कि ये खुद तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ऐसा? बिल्कुल कर रहा बीजेपी, हर चीज में कर रहा। अरे भैया, 100 पूरा इंडिया उठ के चला है एक तो ममता बनर्जी के पीछे में, क्या तरीका पूरा? ठीक है, युवा कुछ कहना चाह रहा है भाई मेरा 28। नाम बताइए पहले अपना, कहाँ से? मोहम्मद शाहिद। कहाँ से? हावड़ा से। हावड़ा से, ठीक है। आज तक मैंने ऐसी पार्टी नहीं देखी। नाम के नाम? मोहम्मद शाहिद। पार्टी नाम? बीजेपी। ये एक पार्टी एकदम चोर पार्टी है, ये जो आज अपने गद्दी पे बैठे हुए जमे हुए हैं वो चोरी से ही बैठे हुए हैं। अगर उसको बोलो दम है तो ये ABM का सिस्टम हटाओ। ABM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, सब दिखेगा। भागो मत। देखो यही गड़बड़। बैलेट, वी वांट बैलेट, नो ABM। बैलेट पेपर। ABM ले चलेगा। ABM मशीन। किसान के। अच्छा ये बताइए। ममता दीदी अगर जीत जाती हैं, तो ABM को दोष देंगे? हाँ? नहीं देंगे। दोस्त माने का दोस्तों भी नहीं, मैं कह रहा हूँ ममता दी, मैं कह रहा हूँ, देखिए सुनिए, ये सवाल मेरा सब लोगों के लिए, सभी के लिए, ममता दीदी अगर जीत जाती हैं तो ईवीएम को दोष देंगे? ममता बनर्जी अपने काम से जीत, हाँ एकदम देंगे, जीत जाती तो भी दोष, अगर 10 सीट भी अगर लाएगा ना वो बंगाल में तो बेईमानी करके ही लाएगा, जीत लाने के लायक नहीं है वो, 1 सीट नहीं ला सकता बंगाल में, चोरी नहीं हो रहा है, आपको क्या लग रहा है ABM में चोरी नहीं हो रहा है? पकड़ा चुका है एक मशीन, कितना वर्कर होता है, पकड़ा गया। आपको पता है आज टीएमसी के घर से, टीएमसी के एक नेता के घर से भी ईवीएम बरामद हुआ। अच्छा, ईवीएम बरामद, तो फिर ABM को हटा दो ना यार, लाओ ना भाई। अच्छा, मेरा सीधा सवाल है, एक आदमी जवाब देगा, कौन देगा? एक आदमी जो जवाब देना चाहता है, आप देंगे? ठीक है, ये बताइए, सीधा सवाल और सीधा जवाब, कोई इधर उधर हेरा फेरी नहीं, ये बताइए अगर ममता दीदी 2 मई को चुनाव जीत जाती है, ईवीएम को दोष देंगे, हाँ या ना? बिल्कुल देना होगा उसको दोष, फिर भी देंगे? फिर क्या कहेंगे कि ममता दीदी ने गड़बड़ कर दी? पूरा हिंदुस्तान कर रहा, ईवीएम तो पेपर भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से कीजिए, बैलेट पेपर से कीजिए ना भाई, वी वांट बैलेट, नो ईवीएम। ईवीएम को क्यों दोष देंगे? असम में जब इलेक्शन हुआ वो ईवीएम मशीन एक बीजेपी का MLA लेके घूम रहा है, वो बात नहीं है, ABM में चोरी हो रहा है ये 100% है। अब वो ममता जीते, ABM पर मतलब आप जो सब का पीछे हो जाइए, पीछे से दिखाइए, इधर आ जाइए, मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, नहीं है, जियो टावर से एकदम नहीं है,
जियो टावर से होता है के। क्या कह रहे हैं ये लोग? एकदम सही कह रहे हैं ये लोग। सही कह रहे हैं जी, ईवीएम पर कोई भरोसा? एकदम नहीं, एकदम नहीं। बंगाल में खेला होगा, बंगाल में खेला होगा। चलिए ठीक है, बहुत 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 तो ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में आपको बता दें कि जनता जो कुछ कहना चाहती है वो आपको दिखाया सीधे सीधे, आपको जो यहाँ की जनता कह रही थी वो सीधे मैंने आपको दिखाया। ये कोलकाता का कौन सा मार्केट है? न्यू मार्केट। कोलकाता का न्यू मार्केट, भीड़ भाड़ वाला एरिया, यहाँ की जनता क्या कहती है सीधे आपके स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया। और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।